हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो फील्ड पर तैनात हैं। और आपको बताएं कि दिल्ली में दो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस संक्रमण को सबसे ज्यादा अभी तक फैला हुआ पाया गया है। इनमें से एक इलाका है दिलशाद गार्डन का, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। और ये मेरे पीछे जो आप टीम देख रहे हैं, दरअसल ये एमसीडी के तमाम वो कर्मचारी हैं जो इस समय डिसइंफेक्टेंट के जरिए ये पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये जो खास सैनिटाइजेशन जो एक मास लेवल पे किया जाता है हर इलाके में, वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही ये जो खास छिड़काव कर रहे हैं, ये अलग से लोग उन इलाकों में जाकर, उन पॉइंट्स पर जाकर छिड़काव कर रहे हैं जहां पर लोग होम क्वारंटीन में हैं या फिर पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो वहां पर खास तौर पर हाथ से छिड़काव करवाया जाता है और इस तरह से उन तमाम घरों को जिन्हें चिन्हित किया गया है उन पर भी छिड़काव होता है। और आसपास के इलाके के जितने घर हैं उनके गेट पर, दरवाजों पर, आसपास खड़ी जो गाड़ियां हैं जिन पर कि लोगों का हाथ टच हो सकता है या वहां से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, इन तमाम जगहों को कवर किया जा रहा है। और ये सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है वो एनसीडी की ओर से चलाई जा रही है। और ये एरिया दरअसल जिन इलाकों में समय अभी मौजूद है सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कई पॉजिटिव केसेस भी मिले हैं और कई लोग हैं जो अभी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है या जिनको होम क्वारंटीन होने का निर्देश दिया गया है। और ये जो पूरी टीम है यहाँ पर काम कर रही है जिसमें कि हेल्थ इंस्पेक्टर होते हैं, इसके साथ ही जो फील्ड वर्कर हैं वो होते हैं, और तमाम लोग जो अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचना है, ये मैसेज लगातार प्ले होता रहता है इस टीम के साथ। और टीम के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करते हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर ये दोनों जिन जो इनका डेजिग्नेशन है, और किस तरह से सर ये इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पर चिन्हित किया गया है, तो क्या आप लोग खास ध्यान रखते हैं? स्पेशली इसी लोकेशन को हम डेली बेसिस पे हम यहाँ पे सैनिटाइज का वर्क करा रहे हैं। हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बड़ी गाड़ियों से यहाँ पे घर घर के बाहर सैनिटाइज किया जा रहा है। और हम जो भी लोकेशंस है, जो भी कंप्लेंट्स आरडब्ल्यू प्रेजिडेंट्स के थ्रू आ रही हैं, उनके सहयोग से हम यहाँ सारी जो लोकेशंस है उनको सैनिटाइज करा रहे हैं प्रतिदिन। और हमारी टीम लगातार यहाँ पे अवेयरनेस भी कर रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेगाफोन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस बीमारी से आपको कैसे बचना है और अपना बचाव के साथ साथ आपको दूसरों को भी बचाना है, इसी चीज़ पे हमारी फोकस है। और हमारी पूरी टीम मुस्तैद से इस पर डटी हुई है और प्रतिदिन यहाँ पे सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। स्पेशल मास लेवल पे तो हम देखते हैं सर जो टैंकर्स के जरिए छिड़काव किया जा रहा है, ये जो घरों के दरवाजों पे जाके, हैंडल्स पर, खास तौर पे पर्सन टू पर्सन जाके, इंडिविजुअल जाके छिड़काव, दूसरे चीज को टच ना कर सके ना, जैसे कि कोई उनको वो वायरस वगैरह कुछ लगा हुआ तो उससे आगे ना जाए, ये हमारी कोशिश ये है। हाँ, इसका खास ध्यान रखें, जहाँ पे कोई अगर हाथ पकड़ता है या गाड़ियाँ जो खड़ी हैं उन पे भी आप छिड़काव करवाएं। हाँ, ये पूरी कोशिश जारी है, ये हमारी कर रहे हैं। तो ये आप लोग दिन में कितनी बार ये प्रोसेस आप लोग का? ये डेली यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में हमारी टीम आ जाती है, वो पर डे एक बार किया जाता है और उसके बाद अगले दिन फिर टीम आती है, वो सेम डे उसी कार्य को फिर दोबारा से करती है। बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ है या बाइक्स वगैरह है या रेलिंग जो लगी हुई है दीवारों पे, दरवाजे हैं, स्पेशली जो मेटलिक वाली चीज़ें हैं या शीशे की जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके ऊपर हम विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये वायरस इन चीज़ों पे बहुत देर तक एक्टिव रहता है और इसी से ही ये टच में अगर कोई कांटेक्ट करता है इनसे तो वो कहीं तक भी उसको फैला सकता है, इसीलिए इन चीज़ों पे विशेष तौर पे सैनिटाइज का वर्क किया जाता है। आरडब्ल्यूए के सदस्य भी हमारे साथ हैं, जो दरअसल ये काफी इलाके जो हैं काफी प्राइम अभी इनमें संक्रमण वाली वो लोकेशंस हैं। सर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव केसेस भी पाए गए हैं, तो आप लोग भी अपने लेवल पर ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में ही इन जो लोग बाहर से आए थे उनको नोटिफाई करा दिया था और जिनके पॉजिटिव केस आए थे उन्हें आइसोलेशन में बिल्कुल अंदर कर दिया था। हमारी पॉकेट के अंदर 3-4 गेट हैं, पूरी तरह से बंद कर दिए गए, पब्लिक को आने जाने वाले को लिए एक गेट रोका और उसमें बहुत अच्छी तरह से एंट्री करने के बाद ही बाहर के आदमी को अंदर ले रहे थे। जो जनून जिसको वास्तव में कोई काम है वही आगे पीछे बाहर जा रहा है, पूरी तरह से हमारी पॉकेट पूरी सील है। ये जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स जो टीम है इनका भी रोल इस समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए इनको शायद कोरोना वॉरियर का खिताब भी दिया गया है।
बिल्कुल आपने सही कहा, एमसीडी का आज की डेट में हमारे साथ बहुत अच्छा रोल चल रहा है। जैसे जैसे इन्हें कंप्लेंट दी जाती है वहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है और पॉकेट में जहां भी जरूरत है वहां पे अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन हो रहा है। गाड़ी रोजाना एक बार घूमती है बोले में, जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। देखिए आप किस तरह से पूरी तैयारी के साथ जो तमाम फील्ड वर्कर्स हैं वो इस समय इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पूरी जो सैनिटाइजेशन ड्राइव है उसका जो मकसद है वो पूरा किया जा सके और लोगों तक अब संक्रमण फैलने से रोका जा सके। और ये स्पेशल सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है वो इस इलाके दिलशाद गार्डन में चलाई जा रही है क्योंकि इसको हॉटस्पॉट की तरह चिन्हित किया गया है और यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसमें न सिर्फ एमसीडी की टीम बल्कि जो RWA है वो भी पूरा सहयोग करके लोगों को जागरूक बना रहे हैं। और ये बीमारी दरअसल एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे की मदद के साथ ही लड़ी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है लेकिन साथ ही एक दूसरे की सहायता करनी है, तमाम नियमों को मानना है, उसके जरिए ही हम इस वायरस पर जीत पा सकेंगे। कैमरा पर्सन मान के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।